नमस्कार। तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर वन पार्ट वन एपिसोड वन हम लेके आए हैं, और यह एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस एट द रेट सरदार पटेल सुपर 30 लेके आया है मैथमेटिक्स को। और पहला चैप्टर है, वह चैप्टर का नाम है रिलेशन। देखो, ये नाम से ही अस्पष्ट है, संबंध संबंध। पहले रिलेशन क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जानने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने के लिए सेट थ्योरी जानना पड़ेगा। नीचे क्लास से ही स्टार्ट करता हूं। ये एक सेट है एबीसी, यह सेट बी एक सेट है 1 2। अब ए क्रॉस बी करेंगे, ए को 1 से, ए को 2 से, बी बी को 1 से, बी को 2 से, सी को 1 से, सी को 2 से। अब वन ए वन बी टू ए टू बी वन सी थ्री सी। यह जो हुआ यह कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होता है। गलत। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करोगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन तो यह टाइप बनने के लिए बेस्ड ऑन ट्रिको टोमी। ट्रिको टोमी का अर्थ साफ क्लियर है, लेफ्ट ग्रेटर या इक्वल। यानी यहां पर ट्रिकोटोमी रिलेशन बनने के लिए या लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा। एक सेट है रिलेशन डिफाइंड है ये क्रॉस है, यानी वन 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 टू हाँ वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। आर वन इज इक्वल टू
हमने कह दिया एक्स वाई और एक्स लेस देन वाई हो तो यह वन टू होगा, वन थ्री होगा, टू थ्री होगा। यही अगर आर टू रिलेशन एक्स वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, यह थ्री वन थ्री टू और टू वन होगा। आर थ्री की हम बात करें एक्स वाई तो एक्स बराबर वाई वन वन टू टू थ्री थ्री, यानी बेस्ड ऑन ट्रिकोटोमी रिलेशन इज थ्री डाइस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देन। अब हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन डोमेन, अगर डोमेन के आधार पर कहें तो रिलेशन चार टाइप के होते हैं। पहला वन वन रिलेशन, दूसरा वन मेनी और तीसरा मेनी वन और चौथा मेनी मेनी। रिलेशन वन वन, वन मेनी, मेनी वन, मेनी मेनी। ये देखो वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए ग्रेटर देन वन है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा तो एक बार कट किया और वाई एक्सिस के भी पैरेलल खींचा तो एक बार कट किया, यानी यह रिलेशन वन वन हुआ। लेकिन वन मेनी का एग्जाम्पल हम दे तो यहां पर एक्स बराबर वाई स्क्वायर ले लिया, ये ऐसे हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा एक बार, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा दो बार, या वन मेनी कहलाया। अगला तुम्हारे पास हो गया ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा तो यहां दो बार, वाई एक्सिस के एक बार, ये मेनी वन हो गया। और अगला ग्राफ हमारे पास इस सर्कल टाइप का, ये मेनी मेनी कहलाया, मेनी मेनी कहलाया। यानी आपने ये भी जान लिया होगा बेस्ट ऑन डोमेन बेस्ट ऑन रिलेशन इज फोर टाइप्स। रिलेशन इज कौन कौन, वन वन, वन मेनी, मेनी मेनी, मेनी मेनी वन। इस पर कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन पहले से दे दो, वन 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 मेनी मेनी वन मेनी मेनी। y इक्वल टू थ्री टू पावर एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल एक बार कट किया है, यानी सही जवाब यह है। एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, वाई एक्सिस को दो बार कट किया है,
और सही जवाब होगा वन मैनी। एक्स एक्सिस को पैरेलल खींचने पर दो बार, वाई एक्सिस पे एक बार, इसलिए नाम होगा मेनी 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 वन, सॉरी। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां भी दो बार, यहां भी दो बार, मेनी मेनी। बिल्कुल अच्छे से तूने कर लिया है, बहुत बेहतरीन ढंग से, बेस्ट ऑन रेंज या कोडोमेन, रेंज या कोडोमेन की बात करेंगे। यहां पर दो टाइप का होगा, अनटू इनटू, क्या होगा, अनटू क्या क्या होगा, क्या इनटू क्या, अनटू अरे रिलेशन डिफाइंड ए टू बी है, और यहां पर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, यानी वाई इसको बोलते हैं। अगर वाई की वैल्यू बी का इक्वल हो गया, वाई की वैल्यू बी का इक्वल हो गया, अनटू हो जाएगा, और वाई अगर छोटा बी से हो गया तो इनटू हो गया है। यहां कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन, नेचुरल क्रॉस नेचुरल, वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स बराबर वाई माइनस फाइव, यानी यहां वाई का वैल्यू 5 के बाद इंफिनिटी तक होगा, यानी 1 2 3 4 नहीं होगा, इसलिए यह रिलेशन इनटू है, यानी यही फंक्शन डिफाइंड रेशनल क्रॉस रेशनल होता तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होता। एक्स बराबर वाई माइनस फाइव होता, एक्स यहां रेशनल तो ये भी बोला पूरा रेशनल ले लेता, अर्थात ये अनटू हो जाता। अब यहां पर तीन टाइप के और रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सारे के सारे ऑल, दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी वाई बराबर एक्स, यानी टू रखने पर टू, थ्री रखने पर थ्री, फोर रखने पर फोर, आइडेंटिटी रिलेशन। और ये नल रिलेशन मतलब खाली, मतलब भाई। अब तुमको जो टॉपिक में पढ़ना है 12th का, उस मुद्दे पर हम लोग आ रहे हैं।
और वह मुद्दा है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज रिलेशन इज टू टाइप. फर्स्ट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड इज पोसेड. पार्शियल ऑर्डर ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, द रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों गुण जिसमें हो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. लेकिन रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर ये गुण जिसमें हो वह पोसेट कहलाता है, पार्शियल ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है. यानी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और पोसेट को समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां दिक्कत को आपको समाधान करना पड़ेगा यदि आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को अच्छे ढंग से जानते हैं तो आपको कोई नहीं फंसाएगा. आइए हम आपको समझाते हैं. और इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और अभी आपका समय मैंने 13 मिनट ले लिया है क्योंकि 11th का कुछ बेसिक बताना था. यानी हमारे पास 27 मिनट है, 27 मिनट में आपका हो जाएगा. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब समझिए, अपने आप से, यानी इट सेल्फ लव, यानी कहने का सेंस ए का रिलेशन ए से, अब बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से. यानी कहने का सेंस कि जो यहां पर एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अपने आप से प्यार करे, यानी वह रिफ्लेक्सिव होगा. अगर ये वर्टेक्स की हम बात करें तो यहां पर इट सेल्फ लूप हो, यहां पर भी इट सेल्फ लूप हो, इट सेल्फ लूप हो, इट सेल्फ लूप. अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट 1-1 हो, यानी मैट्रिक्स में कैसे देखेंगे, ये है बी है सी है डी है, यहां भी ये है बी है सी है डी है, ए से कर रहा है, ए बी से नहीं कर रहा है, ए सी से नहीं कर रहा है, डी से भी नहीं कर रहा, यहां कर रहा है बी बी से, यहां सी सी से कर रहा है, 1 हो गया. और यहां 1 हो गया, देखो डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप से.
अब मैं कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल की पेश करूंगा, वही आगे चल के क्वेश्चन बन जाएगा। ये पैरेलल लाइन बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बोलो, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि प्रत्येक लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है कि इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और वह कांस्टेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है। अगर हम बात करें ऐसे लिखा रहा है ए माइनस बी का होल मल्टीप्लिकेशन बाय फोर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है, क्योंकि ए बराबर बी होगा तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा और जीरो का चार से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को आप लोग समझ गए? सिमेट्री के बारे में सोचिए। एक बार क्या हुआ कि एक क्लास में एक स्टूडेंट ने कही, लड़कियां थी, लड़की थी, बोले सर स्टेशन पर आप हमको देख रहे थे। हमने बोला बुर्बा तुम कैसे देखी कि हम तुमको देख रहे थे, यानी तुम हमको देख रही थी। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, हम आपसे और आप हमसे। ए अगर बी के पास गया, बी ए के पास गया, वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी चलिए उस पेज पर सिमेट्रिक पर, और ये सिमेट्रिक को उठाइए, कलर को चेंज कर दीजिए और इस सिमेट्रिक को देखिए, इस सिमेट्रिक को देखिए। ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन ए से है तो ये सिमेट्रिक हो गया। एग्जाम्पल पर देखिए, पैरेलल लाइन सिमेट्रिक है, परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्रिक है, हाथ मिलाना सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को आप समझ गए होंगे। वैसा रोड, वैसा रोड, वैसा रोड जिसमें जाने का और आने का भी हो, यह सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यानी मैट्रिक्स के केस में ए ट्रांसपोज इक्वल ए कर देंगे सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल कर देंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को आप अच्छे से जानते हैं, 12 का सिमेट्रिक 2-1 होगा, 13 का सिमेट्रिक 3-1 होगा, होगा कि नहीं होगा। सिमेट्री को अच्छे ढंग से समझ गए। अब हम बात करेंगे ना, सिमेट्रिक हो गया, ये वो का हुआ नॉट सिमेट्रिक। देखो हम सिनेमा तो देखते नहीं है, लेकिन खाना खाते समय कभी कभी सिनेमा चलते रहता है तो आप थोड़ी बंद कर लेंगे। एक हीरो रहता है, इस लेडीज को अपनी मां मानता है, लेकिन गलती से सौतेली मां है, इसको ये बेटा कभी मानता ही नहीं, यानी एक तरफा। जैसे फोन में बैलेंस नहीं रहेगा तो फोन कीजिएगा नहीं ना, इंतजार करना पड़ेगा कि कोई फोन हमको करे तब उससे हम बात करें। यही है नॉट सिमेट्रिक। ए का रिलेशन, ए का रिलेशन बी से है, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है, तो यही है नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक को समझ गए? हम आपको चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, आप हमें नहीं चाहते, आप हमें नहीं चाहते, नॉट सिमेट्रिक। अब यहां पर एक वर्ड डिफाइन होने वाला है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्या है? तो अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है और ए इक्वल बी अलाउ अलाउ है तो यह एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा।
यानी ए सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बीच में, समझ गए। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का आज ये दुनिया ट्रांजिटिव के पीछे पागल हो गया। किसी गांव में, किसी घर में एक आईएस पैदा होता है, पता है उसका ममेरा फुफेरा चचेरा मोसेरा कितना भाई हो जाता है। जैसे कल जेई मेन का रिजल्ट हुआ, जो टॉपर हुआ होगा, हम लोग को भी 100% बच्चा ने सफल लिया, लेकिन टॉपर में स्थान तो नहीं मिला, लेकिन जो टॉपर में स्थान मिला होगा तो कुछ बोलो मेरा वो ममेरा भाई है, ममेरा भाई के ममेरा भाई भी बोलेगा कि मेरा ममेरा भाई है। एक बार मैं समाचार की एक बात बताता हूं, एक न्यूज में आया मेरे मामा आईजी हैं, पुलिस को एक तबराक धर दिया, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया, तो बोल क्या रहा कि मेरा मामा आईजी है। आईजी साहब का नाम पूछा गया, उनको फोन लगाया गया, आईजी साहब ने कहे मेरा तो कोई वादे नहीं है। जब पुलिस उसको पीटने लगा तो आईजी साहब कहते हैं अपनी वहां नहीं है, अपनी वहां नहीं है, लेकिन चचेरा भाई के ममेरी बहन का वो बेटा है। पुलिस बोला सर आपका ही नहीं, हमको पहले बताया, ये तो आपका भगना ही हुआ। यही भगना ट्रांजिटिव कहलाया। अरे अपनी बहन नहीं है तो क्या है, चचेरा का ममेरी बहन भी बहन है। यानी कहने का सेंस समझो, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन अगर सी से होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। अ स्पेशल केस, ए का रिलेशन बी से और बी किसी से रिलेशन ही नहीं बनाता है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। ये बात को तुम्हें जानना पड़ेगा। यह थ्योरी का बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारी पुरानी आदत है, मैं तो पहले क्लासरूम में भी खाता था जब ऑफलाइन चलता था, ये तो ऑनलाइन की बात है, खाते पीते रहते हैं, चलते रहता है। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, खाना खाइए, पीजिए, अच्छा से देखिए, एनसीईआरटी का प्लस रेफरेंस बुक का ज्ञान मानन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास। माता सरस्वती के आशीर्वाद से सभी क्वेश्चन याद है, ये इसमें मां सरस्वती का आशीर्वाद है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को बोलने का प्रयास, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1। लाइन बाय लाइन बना लेना है स्टूडेंट, ये तुम लोग के लिए बहुत बेसिक चीज है, इंफॉर्मेशन, इसलिए लाइन बाय लाइन सभी लोग बना लेंगे और
क्वेश्चन नंबर वन में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। यानी कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। यानी रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक कौन है और ट्रांजिटिव कौन है, इसको आपको करना है। तो रिफ्लेक्सिव कौन, सिमेट्रिक कौन और ट्रांजिटिव कौन। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को अगर आप लोगों ने समझ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अभी तो बना कर नहीं भेजाएंगे, ये न्यूज कब जाएगा, यहां से बोलो तो मेरी को न्यूज बना के दादी मुझे। बात होती 15 के बाद बात करते हैं, 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद सर यहाँ आना पड़ेगा ना, ना भी आना पड़ेगा कुछ क्या सर, ना भी आना पड़ेगा, वो लाइन है। ठीक है सर, 5 तारीख आएगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यह चेक करना है। पहला क्वेश्चन रिलेशन डिफाइंड, ए इक्वल टू 1 2 3 4 या 13 14 तक है। यहां एक्स वाई सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0, यानी y बराबर 3x। वन कॉमा थ्री, 2.6, 3.9, 4.12, ये तो रिलेशन बना दिए। पहला चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, क्या 1 से 14 तक सब है अपने आप से है, नहीं है, गलत। सिमेट्रिक चेक करिए, 1 3 के पास गया है तो 3 1 के पास गया है, नहीं। ट्रांजिटिव चेक करिए, 1 अगर 3 के पास गया है और 3 9 के पास गया है, 1 9 के पास नहीं गया है, ट्रांजिटिव ही नहीं है। यानी पहला क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है और y इज इक्वल टू x प्लस 5, x लेस देन 4, यानी 1 2 3 के लिए चेक करने के लिए कह रहा है। 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7 और 3 रखने पर 8। यहां देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करो, गलत। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करो, अगर 1 6 के पास 6, 1 के पास नहीं। यहां ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करो तो है, क्योंकि 1 गया 6 के पास, 6 किसी के पास नहीं गया, 2 गया 7 के पास, 7 किसी के पास नहीं गया, 3 गया 8 के पास, 8 किसी के पास नहीं गया, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या हुआ, बन गया वो सर दे रहे हैं जी, हमने भी अच्छा बोल दिया है, पर नहीं मैं तो बन जाना सर, अभी तो रिस्टार्ट दे दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो डिविजन के बारे में बात किया है,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और लिखा है y डिविजिबल x, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इसी का x माइनस वाई इंटीजर्स कहा है, यानी यह इंटीजर्स है तो यह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर फाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइव नंबर का रिलेशन आर इन द सेट ह्यूमन बींग्स पार्टिकुलर गिवन वाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। दूसरा कह रहा है एक्स एंड वाई सेम लोकलिटी तब भी होगा, और एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कह रहा है, अगर यहां से यह 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, और जहां भी बड़ा छोटा की बात होता है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होता, यानी ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव। ये सी नंबर क्वेश्चन है, इस बुक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, कोई अपने आप को वाइफ बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, ट्रांजिटिव हो सकता है स्पेशल केस में। देखो राम जी की वाइफ सीता जी है, सीता जी की वाइफ सीता जी किसी से वाइफ किसी को वाइफ बना सकते हैं, समझ में आया। और इसका ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ तो यहां एक्स फादर है वाई का, तो इस केस में देखो लव जी का फादर राम जी है, राम जी के फादर दशरथ जी है, तो क्या लव के फादर दशरथ है कि ग्रैंड फादर है? बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, सो दैट रिलेशन को दिखाना है, यहां ए लेस देन बी स्क्वायर, तो यहां ध्यान दो लेस जैसे ही हुआ तो यह केवल ट्रांजिटिव होगा, केवल क्या होगा, कब, जब दोनों के बराबर बराबर पावर रहेगा तब। क्या दोनों का बराबर पावर है? बराबर पावर है, जब बराबर पावर नहीं तो होगा नहीं होगा, यानी दो नंबर ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, यही अगर तीन नंबर की हम बात करें तो तीन नंबर में चेक करना है बी इक्वल टू ए प्लस वन और ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दिया है, यानी 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3, 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 5, 5 रखने पर 6, 6 रखने पर 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो इसमें ट्रांजिटिव इसलिए नहीं कि 1 2 के पास गया, 2 3 के पास गया, 1 3 के पास नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन ए लेस देन बी है, देखो तो मतलब बराबर पावर है, क्या है तो लिखाएगा रिफ्लेक्सिव ना है सर, सिमेट्रिक ना है सर, ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सही जवाब आपने डाला। पांच नंबर क्वेश्चन ए लेस देन इक्वल देन बी क्यू है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, दोनों का पावर सेम नहीं है, सिमेट्रिक होगा? नहीं, तो क्या ट्रांजिटिव होगा? वेरी गुड,
हम लोग चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन तक। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो यह बोल सकते हो। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स, सो दैट ए इज इक्वल टू, यहां पर वन टू थ्री है और आर रिलेशन है वन टू और टू वन केवल है, ये क्लियर बात है। वन टू के पास गया, टू वन के पास गया, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर सात, सो दैट रिलेशन यहां पर लाइब्रेरी आपके कॉलेज में और सेम पेज का है, अगर सेम पेज का है मतलब एक्स बराबर वाई है, क्या है यानी एक्स बराबर वाई रहेगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, दैट मींस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दैट मींस क्या होगा जल्दी बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अपने मोबाइल से 317 पर जुड़ जाओ, इसका पीडीएफ लगा जाएगा। चाहे कोई मोबाइल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ लगा जाएगा। आठ नंबर की हम बात करें ना, जैसे देखो क्या दो इक्विवेलेंस रिलेशन एक साथ ज्वाइन करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं जी, यह बात तुमको होली में देखने को मिलेगा। होता क्या है ना, मान लो कि आपका फैमिली इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक चाचा जी की फैमिली भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक पापा जी की फैमिली चाचा जी की फैमिली दोनों का कंबाइन कर दिया तो दादा जी की फैमिली, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? जवाब होगा नहीं, जवाब होगा ऐसा। क्यों ऐसा? इसलिए तुम्हारे पापा जी के फैमिली 1 3 5 है, चाचा जी की फैमिली 2 4 है, अगर एक्स माइनस वाई इवन नंबर हो तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक्स माइनस वाई के लिए ये भी इवन रिलेशन है, इवन तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन इसकी कंबाइन कर दिया जाए अब या दादाजी की फैमिली इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। यही 8 क्लास लिखा है। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0 से 12 तक ये ए माइनस बी का होल मोड, ये मल्टीपल ऑफ 4 है यानी 4 से डिविजुअल है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए बराबर बी है तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 10 नंबर में कुछ एग्जांपल पेश करने का तो आराम से तुम लोग कर लोगे, 11 नंबर भी आराम से कर लोगे, 12 13 14 15 16 अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।